विराट कोहली हमारे फूफा तो है नहीं, इनके हैं वो लोग, इनके रोहित शर्मा फूफा है जो इतने 16 सीजन में कभी ऑरेंज कैप नहीं जीतता है, वो इनके फूफा है रोहित शर्मा, पांच जो हमेशा जीता पाए हैं कम से कम वो, नहीं नहीं तो इंडियन टीम के लिए कुछ नहीं किया उसका। हेलो एंड वेलकम टू ऑल द थिंग्स अबाउट क्रिकेट फाइनली, हम तो फाइनली मैं अपने कॉलेज में आ चुका हूं काफी समय के बाद, और जैसा कि भैया आपको पता ही होगा कल आरसीबी एक बार फिर से हारसीबी बनती हुई नजर आई, और आप क्रिटिसाइज करेंगे इसके लिए, कहानी घूम फिर के उनके लिए वही आती है कि विराट कोहली ग्लेन मैक्सवेल फैब डुप्लेसिस अगर ये नहीं चलते तो बैटिंग लाइनअप में द ग्रेट फिनिशर आपको दिनेश कार्तिक नजर आते हैं, और वो किस तरह से फिनिश करते हैं ये तो आप सब देख रहे हैं क्या कुछ हो रहा है। तो भैया कुछ फैंस बैठे हैं हमारे साथ और हमने सोचा क्यों ना चलिए फैंस का व्यू देते हैं कि क्या कुछ कहते हैं आरसीबी के। भाई सबसे बड़ा पहले बात तो कल्प्रिट कौन था आरसीबी के लिए? आरसीबी के सबसे बड़ा कल्प्रिट है उसका मिडिल ऑर्डर जो कि इस पूरे सीजन नहीं काम कर रहा है, बिल्कुल भी रन नहीं निकल रहे हैं उनके बैट्समैन से, और जो भी फिनिशर्स हैं जैसे दिनेश कार्तिक हैं और जो भी अदर बैट्समैन हैं उनसे रन बिल्कुल नहीं आ रहे, जो कि हमेशा से एक प्रॉब्लम रहा है उनके लिए जिसकी वजह से वो शायद अभी तक ट्रॉफी नहीं जीत पाए। मिडिल ऑर्डर तो चलिए रहा है लेकिन हम हमेशा से देखते आ रहे हैं आरसीबी के साथ बैट्समैन उनके पास रहते थे, चलिए इस बार तो तीन बहुत ज्यादा डिपेंडेंट तीन प्लेयर्स पे, लेकिन बॉलिंग डिपार्टमेंट का क्या, आपके पास यूजी थे आपने यूजी को जाने दिया, उसके बाद हसरंगा आपके पास थे लेकिन आपने सोचा बैटिंग को थोड़ा स्ट्रेंथन करते हैं आप ले आते हैं ब्रसवेल को, उसके बाद हसरंगा को आप बैठाते हैं और फिर आप मिडल ओवर्स में विकेट नहीं ले पाते और कहानी वही थी कि वही मैच हार गया। तो देखिए ऐसा है कि हमारे पास कोई क्वालिटी स्पिनर्स नहीं था, जैसा कि हसरंगा शायद कोई किसी इंजरी की वजह से वो लास्ट मैच में नहीं आ पाए थे, तो हमारे पास क्वालिटी स्पिनर्स ना होने की वजह से हम लोग बीच मिडिल ओवर्स में विकेट नहीं ले पाए, जिसकी वजह से शायद हमारा मैच वहीं से हमारे हाथों से निकल गया। और यूजी था, यूजी हमारे पास थे जो कि चले गए, इसके पीछे मैं नहीं जानता क्योंकि मैं ऑक्शन टेबल पे नहीं था ना मैं मैनेजर से टीम जो है। विराट कोहली भी क्या कहेंगे, बैक टू बैक दो सेंचुरी आ चुकी है, क्या अब भी जो मतलब लोग क्रिटिसाइज करते क्रिटिक है उनके कहते हैं कि विराट कोहली की जगह नहीं बनती आज T20 टीम में इंडियन T20 टीम में, तो क्या अब मतलब क्या लगता है? लेकिन जितने लोगों में उतनी तरह के बातें होंगे ठीक है, तो कुछ तो लोग कहेंगे तो बदनाम होगा, कौन सी जगह कहते हैं और इस तरह के कुछ फालतू फैंस और जो मतलब होंगे वो बोलते हैं अपनी टीम को लेकर 15 साल से तो हार रही है विराट कोहली आरसीबी के साथ जुड़े हुए हैं, मैं हमेशा कोहली जिस दिन बीजेपी को भाई 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 इधर भाई इधर घोड़े रहो। चलिए बात करते सीएसके फैंस, सीएसके फैंस काफी जोश में आ रहे हैं, कहना चाहूंगा कि मैं बहुत ही फैन हूं आप सीएसके के, सीएसके चिल्ला रहे थे अभी क्या हुआ ये देखिए, तो ये पार्टी बदल रहे पता नहीं किस टाइम के फैन है, अभी सीएसके चिल्ला रहे थे ये देखिए चेन्नई में जाएंगे कुछ कहना चाहिए चला गया तो विराट कोहली है जाएगा भी तब भी है चेन्नई थोड़ी है कि पैसा ले आप किस तरह से करते हैं, अरे मुझे तो लगता है कि जब तक रूप लगे प्लेयर विराट कोहली है नहीं होता कि नहीं बैठता विराट तुम्हारी किस्मत में विराट कोहली की भी खराब है कि आज तक कभी ना जीता पाई है विराट कोहली की टीम ना जीता पाएगी, तो ये कहना कह सकते हैं विराट कोहली ने तो वर्ल्ड कप जीता हुआ 2011 का, गौरव मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि ये वही फैंस हैं जो आईपीएल के टाइम पे विराट कोहली को क्रिटिसाइज करते हैं और वही टाइम जब कोई भी आईसीसी इवेंट होता है और वहीं पर जाके विराट कोहली के लिए प्रे करते हैं, विराट कोहली हमारे टाइम है विराट कोहली हमारे फूफा तो है नहीं है वो लोग, रोहित शर्मा फूफा है जो इतने 16 सीजन में कभी ऑरेंज कैप नहीं जीता है वो उनके फूफा है रोहित शर्मा, पांच जो हमेशा जीता पाए हैं कम से कम वो, नहीं नहीं तो इंडियन टीम के लिए कुछ नहीं किया उस प्रकाश के लिए, यहाँ पर अलग बहस हो जाएगी जब जब भी कोई प्रेशर मैच होता है रोहित शर्मा और जो खेल रहा हूँ आईपीएल में जो आईपीएल में रन बनाते हैं उनके खिलाफ कभी भी प्रेशर टीम में कभी भी रन नहीं निकले हमेशा क्लीन बोल्ड हो जाते हैं, बिल्कुल सही बात है कहीं प्रेशर मैच में चाहे आईपीएल में देखने नजर आते हैं जो टीम को जिताते हैं और देश का प्राउड करते हैं और मैच निकालते हैं वहां से अपनी इज्जत बताते हैं, बिल्कुल सही बात है। चलिए और फैंस को देखते हैं आरसीबी वालों की बहुत इज्जत बचाई, बहुत बचाई विराट कोहली की जगह अभी भी बहुत बचाई जानते हो इतनी बचाई है ना इतनी रोहित शर्मा का क्या
भले ही उनकी टीम पहुंच गई है प्लेऑफ में, इस बात की क्या लगता है भाई? मैं आपको कसम से बता रहा हूं, इंडियन टीम करके भारत करके वैसे कोई कहेगा ना भाई, सामने एक झांटू आया अभी भी कहा जा सकता है, सब कब कहेंगे भाई कुल मिला के तो हाफ सेंचुरी आई है, परफॉर्मेंस आ नहीं रही है, फिटनेस है नहीं उनके पास, फॉर्म है नहीं, मतलब कुछ भी नहीं है कुल मिला के, अब किस बेसिस पे टी ट्वेंटी खेल रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है। बाकी और भी हमारे फैन है भाई, के पास तो फैमिली पैक है ना, क्या कह रहा है वड़ा पाव बता रहे हैं, पैर तो तुड़वा के बैठे इसके पहले पहले बात तो ये बताइए चलिए तो यहाँ माहौल आप देख सकते हैं किस तरह से नजर आ रहा है, आरसीबी के फैन तो बहुत ज्यादा निराश, जबकि एमआई और सीएसके के फैन एक्साइटेड है प्लेऑफ्स के लिए, देखते हैं क्या होता है, बाकी और भी देखते हैं फैंस मिलते हैं तो उनसे बात करते हैं और क्या कहानी रहने वाली है 2023 में।